नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों, एक बार फिर से देश में महा आंदोलन होने वाला है और आप तो जानते ही हैं कि देश में कोई जब महा आंदोलन या आंदोलन होता है तो किसान ही वो करते हैं ज़्यादातर दोस्तों। और एक बार फिर से किसान MSP की गारंटी के लिए फिर से 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने वाले हैं। और आपको ये बता दूं दोस्तों, इस बार किसान 10,000 ट्रैक्टर के साथ और साथ ही साथ JCB ट्रक, जिसके पास जो रहेगा साधन वो लेकर के जाएगा दिल्ली कूच करेगा, बड़ा आंदोलन दिल्ली में जा करके करेगा MSP की गारंटी लेने के लिए, MSP को सरकार से लेने के लिए जो है वहाँ पर आंदोलन किसान करने जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों कि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में भी व्यवस्था कर लिया गया है, किसानों को रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर भी व्यवस्था कर लिया गया है, किसानों को दोस्तों यहाँ तक कि जो हरियाणा पुलिस है हरियाणा के गांव-गांव में जा करके उनको डरा रही है। और किस तरह से दोस्तों डरा रही है ये थोड़ा देख लीजिए और गौर से सुनिएगा कि प्रशासन के लोग किस तरह से क्या बोल रहे हैं। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में सहभागिता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन JCB आईडिया ट्रैक्टर की सहभागिता पाएगी तो सीज कर दिया जाएगा, पूरी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों सुना आपने कि किस तरह से प्रशासन के लोग जो है बोला है इस वीडियो में और किस तरह से वो लोग किसानों को डरा रहे हैं ताकि किसान जो है घर से बाहर ना निकले। किसानों को ये बोला जा रहा है कि अगर आप साधन या वाहन कोई ले करके निकले घर से तो गाड़ी आपकी, आपका साधन वाहन सीज कर दिया जाएगा और आपके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको जेल में भी बंद किया जा सकता है। दोस्तों सोचिए कि ये वही पुलिस है जो है उसी सरकार की पुलिस है जिस सरकार की तुलना चौधरी चरण सिंह से की जा रही है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि पिछले दिनों जयंत चौधरी जी मोदी जी की तुलना चौधरी चरण सिंह से किए थे। ये बोले थे कि मोदी के अंदर जो है हमको चौधरी चरण सिंह की झलक नजर आती है और सोचिए कि वही मोदी जी किसानों के साथ ऐसा कर रहे हैं। किसानों को आंदोलन भी नहीं किया करने दिया जा रहा है, आखिर क्यों, किस लिए डरे हैं साहब? सवाल है दोस्तों, किस लिए डरे हैं साहब? क्या कोई किसान आंदोलन भी नहीं कर सकता अपने हक के लिए? आप बताइए दोस्तों, क्या कोई किसान आंदोलन नहीं कर सकता, कोई मजदूर आंदोलन नहीं कर सकता, कोई छात्र आंदोलन नहीं कर सकता, कोई बेरोजगार जो है आंदोलन नहीं कर सकता? आप बताइए दोस्तों। दोस्तों यही तक नहीं दोस्तों, देखिए कि किस तरह से हरियाणा बॉर्डर पर प्रशासन के लोगों ने कीले गाड़ दिया है। देखिए कीले रॉड और साथ ही साथ डिवाइडर का इतना मोटा दीवाल बना दिया गया है जिससे किसान इसको लांग ना पाए। लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही है कि किसानों का हिम्मत इस तरह से है कि अगर आप जो है मोटी दीवाल पत्थर का भी वहां पर बना देंगे तो भी उसको हो सकता है कि किसान जो है, किसानों के पास इतना जो है जज्बा है कि वो तोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि किसानों को तो आप जानते ही हैं और पिछला आंदोलन भी आप लोगों ने देखा था जो 3 कानून जो है सरकार लेकर के आई थी, बाद में सरकार ने तीनों कानून को वापस ले लिया था जिसमें जो है 700 किसान शहीद हुए थे। दोस्तों ये जान लीजिए कि एक तरफ
किसानों के नेता जो है चौधरी चरण सिंह को बताया जाता है कि मोदी जैसा है, मोदी जी ही जैसे, मतलब किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जो है एक मोदी जी ही जैसा है एक तरह से, या फिर मोदी जी किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह के ही जैसे हैं, उनमें झलक आती है। तो क्या आज किसानों के नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जीवित होते तो क्या इस तरह से किसानों के लिए रास्ते में कील गाड़ते? बताइए, उनकी सरकार गड़वाती? इस तरह से पुलिस जो है जा करके गांव-गांव किसानों को डराती, धमकाती, मुकदमे लादने की धमकी देती, गाड़ियों की सीज करने की धमकी देती? आप बताइए दोस्तों, ऐसा करती? शायद ना करती। लेकिन मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार जो है हरियाणा में भी है तो वो ऐसा कर रही है। तो किस तरह से आप तुलना कर रहे हैं? जयंत जी, सवाल आपसे है, किस तरह से आप, क्या देख करके आप तुलना कर रहे हैं? क्या आपको ये सब चीज नहीं दिख रहा है इस वक्त? बताइए आप दोस्तों। चलिए बिहार की ओर रुख करते हैं। बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है? बिहार में इस वक्त यही चल रहा है, आज की रात लंबी, आज की रात जो है भारी। कहावत है ना, यही रात लंबी, यही रात भारी, रामायण का ये श्लोक है ना दोस्तों। और ये रामायण का श्लोक एकदम नीतीश कुमार के ऊपर बैठ रहा है। और आज की जो रात होगा नीतीश कुमार के लिए वो लंबी होने वाली है, और ये जो आज की रात है वो नीतीश कुमार के लिए दोस्तों भारी होने वाली है। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो है तबीयत भी बिगड़ी हुई है इस वक्त। सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि उनका तबीयत, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है दोस्तों। तो क्यों स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है दोस्तों? क्या स्वास्थ्य उनका इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि बिहार में खेला होने वाला है, उन्हीं के विधायक, उनके ही द्वारा आयोजित भोजन जो है, भोजन के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, क्या इस वजह से? या फिर दोस्तों जो अटकलें लगाई जा रही है कि जेडीयू के विधायक और बीजेपी के भी कुछ विधायक आरजेडी के खेमे में जाकर जो है छिप गए हैं, या फिर ये सही है दोस्तों, या इस वजह से नीतीश की तबीयत बिगड़ी हुई है दोस्तों? खैर दोस्तों, देखिए एक वीडियो इस वक्त आ रहा है और ये वीडियो बताई जा रही है कि बीते रात का है, जब जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है, ठंड का माहौल है तो थोड़ा आँच ले रहे थे, और किस तरह से आरजेडी के विधायक गिटार बजा रहे थे और गाना गा रहे थे, और उस वक्त जो है तेजस्वी यादव सुन रहे थे। देखिए वीडियो। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव के माथे पर सिकन तक नहीं है और पूरी तरह से मौज में है। ये वीडियो शायद भाजपा वाले, जेडीयू वाले देखेंगे तो उनको नींद और भी नहीं आने वाली है आज रात। वैसे भी आज रात कहाँ नींद आएगी, और उनकी नींद चैन और भी खो जाएगी दोस्तों। दोस्तों आज नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार वो खुद है दोस्तों। और बताया ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा भी भंग करना चाहते हैं ताकि चुनाव फिर से हो। पहले भी ये चाह रहे थे जब तेजस्वी के साथ गठबंधन में थे,
इस वक्त भी जो है यही चाह रहे हैं वो, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जो है बिहार में खेला होने वाला है? क्या बिहार में नीतीश की कुर्सी पलटू कुमार की कुर्सी जाने वाली है? क्या बिहार में भाजपा को बड़ी हार मिलने वाली है दोस्तों? क्योंकि नीतीश की ही बेइज्जती इसमें नहीं होने वाली है, इसमें बेइज्जती जो है इन दो चेहरों की भी होगी, चाणक और प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि इसमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। इस वजह से, और आप तो जानते ही हैं कि बीती रात जो है प्रशिक्षण में अमित शाह पहुंचे थे बोधगया में और प्रशिक्षण दे रहे थे कि किस तरह से सरकार बचाना है और किस तरह से सरकार बनाना है। मतलब आप ये जान लीजिए दोस्तों कि बिहार में जबरदस्त खेला होने वाला है, ये कोई माने या ना माने दोस्तों। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जो आरजेडी के विधायक हैं वो इस वक्त तेजस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर हैं, वहीं पर सारा इंतजाम किया गया है, खाने पीने से लेकर सोने तक का सारा चीज़ वहीं पर अरेंजमेंट कर दिया गया है और वहीं पर सारे विधायक इस वक्त ठहरे हुए हैं। तो आरजेडी के विधायकों का इधर उधर तो जाना बिल्कुल नहीं है, जाहिर से सी बात है दोस्तों, क्योंकि नेतृत्व खुद जो है आरजेडी के जो है तेजस्वी